हेलो फ्रेंड्स, आई एम एचआर कुशवाहा, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आई हैव स्टार्टेड न्यू वीडियो चैप्टर कि पहले वीडियो में आप क्वेश्चन करेंगे और दूसरे वीडियो में मैं उनके आंसर बताऊंगा आपको। तो जो भी आपका स्कोर आएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स, साथ ही एक बात बता दूँ, जब भी कोई एग्ज़ाम आप अटेंड करने जाते हैं, वो PGT का हो, TGT का हो, CTET का हो, या MPSI का हो, या संविदा का एग्ज़ाम, आप ज़रूर इस वीडियो चैप्टर को देख के जाइएगा। और मैंने सोचा है कि मैं एक ही वीडियो में वो सारी इंग्लिश देने की कोशिश करूँगा जहाँ पे आप टेंस, मॉडल, स्ट्रक्चर, वॉइस, नरेशन से रिलेटेड जो एरर होती हैं वो सब एक ही वीडियो में आ जाएं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन ही यूजअली ब्लैंक एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर वन, इसका मैं आंसर आज नहीं बताऊंगा, आंसर आपको मैं कल बताऊंगा। आपको अपना मार्क करना है और देखना है आपने इसका आंसर क्या लगाया। आई थिंक समझ गए होंगे, इसमें से ही यूजअली ब्लैंक एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ये ऑप्शन है गेट अप, गेट्स अप, गॉट अप, हैड गॉट अप। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको मैं पढ़ के भी नहीं बताऊँगा, आप खुद पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर टू, मीना ऑफन ब्लैंक लेट कम हैव कम कम कम्स। आपको जो सही ऑप्शन लगता है वो लगाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, द सन ब्लैंक इन द वेस्ट सेट सेट्स हैड सेट हैज सेट। जो भी आपको लगता है अपना ऑप्शन आप टिक करके रखिएगा अपनी कॉपी में, और जब मैं कल इसके आंसर अपलोड करूँगा तो उनसे आप मैच कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, दिस लिस्ट ऑफ वर्ड्स ब्लैंक वर्ब्स एंड एडवर्ब्स डू नॉट इंक्लूड डज नॉट इंक्लूड हैज़ नॉट इंक्लूड हैव नॉट इंक्लूड। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको सही लगता है आप अपना ऑप्शन चुन लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, मोहन ब्लैंक अ लेटर टू हर फ्रेंड्स नाउ राइट इज राइटिंग हैज़ रिटन राइट्स। आई थिंक आपने ऑप्शन अपना लगा लिया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, मोहन इज प्लेइंग वाइल हिज सिस्टर ब्लैंक इज रीडिंग हैज़ बीन रीडिंग हैज़ रेड रीड्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, आई ब्लैंक फिनिश्ड माई बुक येट। ऑप्शन ए फिनिश्ड, बी फिनिश, सी हैव फिनिश्ड, डी हैज फिनिश्ड। आप अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए, आंसर मैं कल बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर एट, समीर प्रकाशन ब्लैंक अ लॉट ऑफ इंग्लिश बुक सो फॉर published, publishes, has published, will publish. Question number 9, he blank at the university for more than 6 years, teaches, taught, is teaching. Option D है, has been teaching. जो भी आपको correct लगता है आप अपना option लगा लीजिएगा। Question number 10, yesterday I blank stand object in the garden. ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी हैव सीन, ऑप्शन सी शाह, ऑप्शन डी एम सिंग। क्वेश्चन नंबर 11, द पेशेंट ब्लैंक आफ्टर द डॉक्टर केम। ऑप्शन ए डाइड, ऑप्शन बी हैड डाइड, ऑप्शन सी डाइज, ऑप्शन डी विल डाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, आई ब्लैंक इंग्लिश व्हेन ही एंटर द क्लास रूम। ए एम टीचिंग, बी वॉज टीचिंग, सी टॉट, डी हैव टीचिंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाइल सी ब्लैंक द रोड अ कार हिट हर। ऑप्शन ए क्रॉस्ड, बी क्रॉसेस, सी वॉज क्रॉसिंग, डी हैड क्रॉस्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, when सुरेश सुधा blank cooking has finished, finish, had finished, was finished. 15, he blank to that school for the last 2 years, had been going, is going, was going, has gone. फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं, कल इन 15 क्वेश्चन के मैं आंसर बताऊंगा, आप इनको मिलाइएगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट 15 क्वेश्चन दूंगा। ये मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस का एक नया तरीका अपनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।